Today is your topic for a class with the chapter first in a computer. Introduction to a computer. Previous topic, you know about the second or first generation of a computer. I told about you learn about the first generation of a computer. That also previous video you watched about the first generation of a computer. I repeat it. Manually, first generation of a computer. Today our thought on the depend on the second generation of a computer. जैसा कि हमने बताया कि पिछले टॉपिक में क्लास फिफ्थ में कंप्यूटर के टॉपिक में आपको पहले पढ़ाया गया होगा, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट जनरेशन आपको कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन आपको कंप्यूटर के पास। आपका यह पहला चैप्टर है कंप्यूटर में, पहला चैप्टर है क्लास फिफ्थ वालों के लिए। ये सेकेंड जनरेशन आपको कंप्यूटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सेकेंड जनरेशन आपको कंप्यूटर कब था? 1956 से लेकर के 1963 तक जो हम लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते रहे कंप्यूटर में, यानी कि इसके बीच की अवधि में, इसके बीच के टाइमिंग में हम लोग 1956 से 1963 के बीच में जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हम लोग देखते चले आए हैं, जो भी चीजें हम लोग क्या किए फाइंड किए हैं, वह सेकेंड जनरेशन आपका कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या होती है आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बोला गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जैसा कि आप लोग जानते होंगे ना, ट्रांजिस्टर, यू नो अबाउट द ट्रांजिस्टर। रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था और ट्रांजिस्टर था, उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, हटा दिया। ट्रांजिस्टर अलाउड कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर एंड फास्टर, चीपर, एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल। बताया गया इसके बाद जो स्टेप लाया गया, जो टेक्नोलॉजी लाई गई वह स्मॉलर थी, यानी कि उससे स्टेप जो छोटी थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उससे छोटी थी। फास्टर, फास्टर मतलब अधिक तेज चलती थी। चीपर, चीपर मतलब बहुत आसानी से। हाँ, एनर्जी इफिशिएंट एंड रिलायबल, रिलायबल मतलब बार बार हम लोग यूज करते हैं उसको। हाँ, एनर्जी इफिशिएंट का मतलब होता है कि कम एनर्जी में हमें ज्यादा वर्क करके मिल जाए। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी फॉर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो इसने बताया, बुक में बताया गया कि जो मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी होती है वह फॉर प्राइमरी मेमोरी के लिए होती है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी बताया गया कि प्राइमरी मेमोरी के लिए फर्स्ट जनरेशन के बाद वाले, यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने मेमोरी के लिए, प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया। ठीक है, द इनपुट वाज स्टील थ्रू अ पंच कार्ड एंड द आउटपुट वाज अ डिस्प्ले यूजिंग अ प्रिंटआउट। तब हम लोगों ने देखा कि जो भी हम लोग इनपुट करते हैं वह वहां पर स्थिर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वहां पर आउटपुट भी हमें कैसा मिल रहा है? प्रिंट होके मिल रहा है, किसी पेज पे मिल रहा है। ठीक है, अब आइए, दे यूज द कंपोनेंट ऑफ अ स्टोर्ड प्रोग्राम। इस कंपोनेंट को हम लोग कहां यूज करते हैं? प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए।
वेयर इंस्ट्रक्शन वेयर स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जहां पे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। स्टोर्ड का मतलब एकत्रित होते हैं। ये रहा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि हार्डवेयर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा होगा जो विजिबल हो सके, जो हम लोग टच कर सके, यानी कि जो हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, इस टाइप के डिवाइस को हम लोग हार्डवेयर नाम देते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग हार्डवेयर नाम देते हैं। और हार्डवेयर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कुछ इस प्रकार से आ गई थी। ठीक, आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये रहा आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी द इंस्ट्रक्शन वेयर रिटन यूजिंग द असेंबली लैंग्वेज, इसमें मतलब बोला गया कि जो इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, वो असेंबली लैंग्वेज में होता था। यानी कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे वो असेंबली लैंग्वेज में होता था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूजेज आर मेनोनोमिक, वो कैसा होता है, मेनोनोमिक होता है, लाइक ADE, जैसा कैप्चा, ये मेनोनोमिक होता है। ठीक है, ADE जैसा, ठीक, ये इस टाइप के होते हैं। पार्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये ADD क्या है, एड हो गया, एडिशन के लिए हो गया भाई। और SUB ये किसके लिए होगा, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके की कोड जो ये असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, तो इस तरीके की कोड हम लोग इस्तेमाल करते थे। फॉर एडिशन के लिए, एडिशन के लिए ADD होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB होता है। इस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर में, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इस तरीके से कोड में हम लोग करते आए। ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर कोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इट इज ईजियर टू राइट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली, ये ईजियर होता था हम लोगों के लिए। असेंबली लैंग्वेज में ये सब लिखना क्या होता था, आसान होता था। आप देखते हो इधर ही बड़ी स्लाइड होती है, तो इसको हम तीन अक्षरों में लिख करके काम चला लिया करते थे, इसलिए हमें ये ईजियर प्राप्त होता था, आसान लगता था। आइए आगे चलते हैं, एज कंपेयर टू द रिटन इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी होता है, एक असेंबली लैंग्वेज आपको पता चला, एक होता है मशीन लैंग्वेज का मतलब अभी यहाँ पर कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज में जीरो और वन का इस्तेमाल करता है। जितने भी डेटा दोगे आप, बस कल जीरो और वन का इस्तेमाल करके वह अपने आप समझ लेता है। कोई लेटर होगा उसको जीरो कर देगा, कोई लेटर होगा उसको वन कर देगा, कोई जीरो जीरो वन होगा, कोई जीरो वन वन होगा, इस तरीके की ये मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, समझ पाई बात, ये मशीनी लैंग्वेज होता है। अब बोला गया कि मशीनी लैंग्वेज से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर यह ज्यादा इजियर होता था, इससे यह ज्यादा इजियर होता था, आसान होता था। हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेजेस सच एज अ अर्ली वर्जन ऑफ गोबोल, हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया गोबोल एंड और किसका लिया
फॉरलैंड ग्लोबल ये सभी क्या है एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है प्रोग्राम है ये सभी प्रोग्रामिंग है उनकी ये सभी एग्जांपल है वेयर आल्सो डेवलपिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इसी पीरियड में यानी कि हम लोग इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं लेकिन इन सभी सॉफ्टवेयर को सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही ला दिया गया ठीक है जो कि यह क्या चीज है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार की ये दोनों क्या है लैंग्वेज है मशीनी भाषा है ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज का तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक ओके आइए अब हम लोग आगे चलते हैं कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है देखिए द कंप्यूटेशन टाइम ऑफ द माइक्रो इन अ माइक्रो सेकंड उसको हम कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं यानी कि एक छोटे से सेकंड में यानी कि एक सेकंड के एक छोटे से पार्ट में जो कंप्यूटिंग होती है गणना होती है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वह क्या कहलाता है कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इस लैंग्वेज की कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी हम कैसे पता करेंगे हम ऐसे पता कर सकते हैं कि एक माइक्रो सेकेंड में यानी कि एक सेकेंड का छोटा सा भाग उसमें किस तरीके से कंप्यूटिंग कर सकता है यह कंप्यूटर कैसे गणना कर सकता है कैसे जोड़ सकता है कैसे घटा सकता है कितने समय में कर सकता है इसके बारे में हम लोग कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे ओके आता है सेकंड नंबर फिजिकल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस ट्रांजिस्टर वेयर स्मॉलर इन साइज एज अ कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब द साइज ऑफ अ कंप्यूटर बार आल्सो रिड्यूस देखिए बताया गया सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आया था वैक्यूम ट्यूब ठीक है उसके बाद आया ट्रांजिस्टर ठीक है तो ट्रांजिस्टर बताया गया कंपैरिजन में वैक्यूम के कंपैरिजन में वह क्या था छोटा था ट्रांजिस्टर जो था वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा या कंपैरिजन में टैली करने में हमने देखा कि वह छोटा था ट्रांजिस्टर तो उसके बाद कंप्यूटर की और भी साइज क्या हो गई छोटी हो गई तो ये हिस्सा क्या होता है फिजिकल अपीयरेंस फिजिकल अपीयरेंस फिजिकल का मतलब होता है जो भौतिकी हो भौतिकी का मतलब जैसे हमारी साइज हो गई या किसी भी वस्तु की साइज या शेप वॉल्यूम को फिजिकल अपीयरेंस कहते हैं तो यहां पे कंप्यूटर के लिए भी यही बात है इट्स ओके आइए आगे चलते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशंस क्या होता है द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर वाज वेरी हाई डाउन लेस देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द ट्रांजिस्टर हैड टू बी असेंबल्ड मैन्युअली इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखिए बताया गया एप्लीकेशन में यह बताया गया हम लोगों को कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था कमर्शियल प्रोडक्शन में
जो फर्स्ट जनरेशन आपको कंप्यूटर बताया गया, आप दिस कंप्यूटर पार्ट वेरी हाई कमर्शियल प्रोडक्शन इसका जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाला बहुत तेजी से कमर्शियल प्रोडक्शन सेकंड जनरेशन आपका कंप्यूटर का ठीक है बहुत हाई था और बताया गया लेस देन जनरेट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्या था लेस था कम था द ट्रांजिस्टर हैड असेंबल मैनुअल इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर हैड असेंबल मैनुअल इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जांपल में ले लीजिए एक पीडीपी ये एक यह एक एग्जांपल हुआ आईबीएम यह एक एग्जांपल हुआ 1401 हाँ एंड सीबीसी 1604 ये सभी सॉफ्टवेयर है भाई ये सभी क्या है सॉफ्टवेयर है एग्जांपल के ये सभी सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार की एग्जांपल है जो कि कोडिंग से हम लोगों ने इसको रखा है ठीक है इस तरीके से हमने देखा कि एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जनरेट अ लॉट ऑफ हीट बट मच लेस देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर जो था वह हीट भी बहुत ज्यादा होता था यह भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी ठीक है वह हीट भी बहुत ज्यादा होता था उष्मा भी बहुत ज्यादा उसमें निकलती थी तो बोला कि कंप्यूटर करने में फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो और भी बहुत ज्यादा हीट होते थे लेकिन उससे कम होता था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का हीट तो होता था बट कंप्यूटर करने में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कम होता था ठीक है अब बोला गया दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस उसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम थी देन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ढेर सारे मेंटेनेंस आते थे बट सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत ही कम क्या आते हैं मेंटेनेंस बहुत ही कम खराब होता है ठीक है अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया अब इसके बाद पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओके आई होप यू विल बी अंडरस्टूड बाय दिस टॉपिक सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ओके